का पिछला थ्योरम था ना, उसमें अगर आपको ये बात ना समझ आ रही हो कि बेसिस प्रूव करने के लिए, तो हम ये प्रूव करते हैं ना कि हमारे पास जो, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमारे पास केस था, हमने बीटा जे एस को प्रूव करना था कि वो बेसिस फॉर्म करते हैं, तो उसके लिए दो कंडीशन होती हैं, एक ये कि बीटा जे एस लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और दूसरा ये कंडीशन के अगर के लिए बेसिस फॉर्म करते हैं तो के जितने भी मेम्बर्स हैं वो बीटा जे एस के लीनियर कम्बिनेशन में लिखे जा सकेंगे। तो दो कंडीशन होती हैं। मैंने यहाँ पर जस्ट जो है एक कंडीशन इसलिए ली, स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया, अगर आपको ना कन्फ्यूजन हो उसमें थोड़ी सी, तो आप लोग ये बात जहन में रखें कि हमने जो पिछला थ्योरम किया था, पिछले थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि अगर हमारे पास के फाइनाइट एक्सटेंशन हो ऑफ डिग्री एन ओवर एफ, तो आपके पास क्या होगा, देन एन लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स इन के फॉर्म आ बेसिस। इफ के इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ डिग्री एन ओवर एफ, देन एन लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स इन के फॉर्म आ बेसिस। अब जो हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन थी, हमारे पास के जो है उसके एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे जो बेस फॉर्म कर रहे थे, ये गिवन था आपके पास। इसका मतलब है कि के जो है वो फाइनाइट एक्सटेंशन है एफ की, और उसकी डिग्री एन है। अगर फाइनाइट एक्सटेंशन है तो हमारे पास जो एन लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स होंगे के वो बेसिस फॉर्म करेंगे, सही है। तो ये हमने पिछले थ्योरम में प्रूव किया हुआ था कि वो बेसिस फॉर्म करेंगे। तो सिंपल हमने ये ले लिया कि हमारे पास के जो है ना वो गिवन था कि वो के की डिग्री एन है, मीन्स के अगर आपके पास ये गिवन है ना कि अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अप टू सो वन अल्फ़ा एन बेसिस फॉर्म करते हैं फॉर के ओवर एफ, इसका ये मतलब है कि के जो है वो फाइनाइट एक्सटेंशन है जिसकी डिग्री एन है, क्योंकि उसमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बेसिस फॉर्म करें। तो इसका मतलब है कि अगर हम सिर्फ हम ये प्रूव कर दें कि उसके जो बीटा वन बीटा टू अप टू सो ऑन बीटा एन क्या है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं, तो वो हर हाल में इस थ्योरम के अकॉर्डिंग बेसिस फॉर्म करेंगे। तो हमारे पास इसीलिए हमने यहाँ पे दूसरी कंडीशन जो है वो प्रूव नहीं की, क्योंकि पिछले थ्योरम में हम ये पढ़ चुके हैं कि हम डायरेक्ट यहाँ पे अगर हमारे पास एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाते हैं तो वो हर हाल में बेसिस फॉर्म करेंगे, प्रूव्ड रिजल्ट है, इसीलिए हमने सेकंड कंडीशन को यहाँ पे प्रूव नहीं किया। तो ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास लेमा है, लेमा है इफ के इज अ फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ, के आपके पास क्या है, फाइनाइट एक्सटेंशन है एफ की, मतलब के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो बेसिस फॉर्म करेंगे, देन एवरी एलिमेंट अल्फा ऑफ के, तो के का हर एलिमेंट क्या होगा, अल्जेब्रिक ओवर एफ होगा, मतलब के का हर एलिमेंट किसी ना किसी पॉलीनोमियल को हर हाल में क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये आप प्रूव करने जा रहे हैं। तो एक यहाँ पे आप लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है जो आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि जैसे यहाँ पे गिवन है कि के फाइनाइट एक्सटेंशन है ऑफ एफ की, ठीक है। तो अगर मैं कहती हूँ कि के की जो डिग्री है वो एन है, मींस के अंदर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बेसिस फॉर्म करते हैं, तो ये एक पिछला थ्योरम भी है, या एक रिजल्ट है, रिमार्क के तौर पर भी आप इसे जहन में रख सकते हैं। मैं इससे रिलेटेड थ्योरम भी ढूंढूंगी। ये जो आप लोगों ने जहन में रखना है कि अगर के की डिग्री एन है और के फाइनाइट एक्सटेंशन है, तो उसके अंदर जो फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई भी एलिमेंट अल्फ़ा ले लेती हूँ या बीटा ले लेती हूँ, तो वन अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर अप टू सो ऑन अल्फ़ा एन, वो हर हाल में क्या करेंगे, वो बेसिस फॉर्म करेंगे अल्फ़ा एन माइनस वन, एन एलिमेंट्स बताने हैं ना, वन अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर अप टू सो ऑन अल्फ़ा रेज टू द पावर एन माइनस वन, ये एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हर हाल में बेसिस फॉर्म करेंगे। ये एज अ रिमार्क आप लोगों ने जहन में रखना है। तो जहाँ पे भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी थ्योरम में हम इसे यूज़ करेंगे। तो आपके पास जो गिवन कंडीशन है वो ये है कि के क्या है, दिस इज़ द फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ, गिवन दैट given that k is finite finite extension of f, let हमारे पास जो के की डिग्री है उसे हम क्या ले लेते हैं, एन लेते हैं, ठीक है, के ओवर एफ। इसका ये मतलब है, के ओवर एफ यहाँ पे लिखने का मतलब ये है कि के की डिग्री, ठीक है, एन है, के आपके पास क्या है, फाइनाइट एक्सटेंशन है एफ की, ठीक है, के बाय एफ। इस तरह लिखने का मतलब ये बनता है कि के जो है वो फाइनाइट एक्सटेंशन है एफ की, जिसकी डिग्री क्या है, एन है।
अगर हमारे पास n इज़ इक्वल टू k बाई एफ, ठीक है, फाइनाइट एक्सटेंशन है और k की डिग्री n है, तो हमें पता है, हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बेसिस फॉर्म करते हैं, तो n से ज़्यादा अगर हम एलिमेंट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम n प्लस वन ले लेते हैं, n प्लस टू ले लेते हैं, या n प्लस थ्री एलिमेंट्स ले लेते हैं, तो वो क्या होंगे, वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ये आपने थ्योरम किया हुआ है. देन n प्लस वन नंबर्स, वन अल्फा स्क्वायर अप टू सो ऑन अल्फा n आर लीनियरली डिपेंडेंट सो दैट सी नॉट सी वन अप टू सो ऑन लीनियर डिपेंडेंट हैं. तो इसका मतलब है जो आपके पास सी नॉट सी वन सी एन वो सारे ज़ीरो नहीं होंगे, आर नॉट आर ज़ीरो. यहाँ पे ये भी मेंशन करते हैं जो कि एफ को बिलोंग करेंगे, आर नॉट आर ज़ीरो सच दैट सी नॉट प्लस सी वन अल्फ़ा प्लस सी टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस सी एन अल्फ़ा एन इक्वल टू ज़ीरो. अगर हमारे पास ये लीनियर कम्बिनेशन इक्वल टू ज़ीरो है और हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर अप टू सो ऑन अल्फ़ा एन ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो फिर क्या होगा, ये सी नॉट सी वन सी एन सारे के सारे ज़ीरो नहीं होंगे. इट फॉलोज दैट, इसका क्या मतलब है, इट फॉलोज दैट अल्फ़ा सेटिस्फाई, इसका मतलब ये हुआ ना कि अल्फ़ा किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि अगर ये सारे ज़ीरो हो जाते हैं फिर तो हर हाल में कंडीशन, मतलब ये लीनियर कम्बिनेशन ज़ीरो आना ही है. अगर ये सारे ज़ीरो नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि अल्फ़ा किसी पॉलिनोमियल को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. दिस शोज़ दैट अल्फ़ा सेटिस्फाइज अ पॉलिनोमियल. ये भी आपने ज़हन में रखना है कि यहाँ पे अल्फ़ा हमने एफ का मेंबर लिया है. सेटिस्फाइज अ पॉलिनोमियल ओवर एफ, हेंस अल्फ़ा इज अल्जेब्रिक ओवर एफ. हमें यही प्रूव करना था कि अगर के फाइनाइट एक्सटेंशन है एफ की, तो K का हर मेंबर जो होगा वो क्या होगा, वो अल्जब्रिक होगा ओवर F. तो सॉरी, मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया था कि अल्फ़ा F का मेंबर है, अल्फ़ा K का मेंबर लिया हुआ है, ठीक है. तो ये आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होगी. हमें यही प्रूव करना था कि K का हर मेंबर क्या होगा. हमने एक मेंबर ले लिया, ठीक है, प्रूव करने के लिए. तो आप कोई भी और भी ले सकते हो, कोई बीटा ले लो, कुछ भी ले लो, तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई हर हाल में करेगा. आप लोगों ने अपना काम करिए ना, मुझे सेंड कर देना है, ठीक है. अल्लाह हाफिज़.